बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज रीना सादिक। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। उसमें अच्छी खासी ग्रेवी भी होगी और उसके आप चावल और जो है ना रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और जो हम चिकन टिक्का मसाला है वो हम पहले भी बना चुके हैं, ये हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम टिक्का मसाले के लिए अपने जो है मसालों को जो है मिक्स करते हैं। ये हमने 1 किलो चिकन ले लिए और ये 1 किलो चिकन हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। ये हमने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून हमने भुना कुटा जीरा लिया है। ये होममेड टिक्का मसाला है, ये हमने वो लिया है, हम अपने वीडियो पे पहले भी बना चुके हैं। 1/2 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है और 1 टेबलस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है। ये हम मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ा सा इसमें हमारा डालेगा और बाकी का हमारा ग्रेवी में डलेगा। ये अनियन है, तो पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट हम बना लेते हैं। ये हम ग्राइंडर करके लाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी का हम अपनी ग्रेवी में डालेंगे। ये बाकी का हम जो है ये टमाटर और ये प्याज इसी के साथ ग्राइंडर कर लेंगे ताकि हमारे अच्छे से ग्रेवी बन जाए। इसको हम ग्राइंडर करके लाते हैं। ये हम फूड कलर डाल रहे हैं, इसमें मिक्स कर देंगे और योगर्ट हम थोड़ी सी डालेंगे टिक्का मसाला लगाने के लिए। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। चले जी, हमने इसमें ऑयल डाल दिया है अपने टिक्के तलने के लिए और इसमें हमने घी डाल दिया है 1 प्याली भर के। वो जो हमने मसाला अपना ग्राइंडर करा था वो हम इसके अंदर डालेंगे और जब तक हम अपने टिक्के लगा देंगे। ये हमारे हमने 30 मिनट के लिए रखे थे ये मैरिनेट करके, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। कोयला हमारा रखा हुआ है, जो बाकी का मसाला है हम अपने मसाले में ऐड कर देंगे जो बच गया। ये हमने प्याज अदरक लहसुन और जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर जो है ग्राइंडर करा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। ये वाला जो मसाला है ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमारा कोई चीज़ ज़ाया ना जाए, कोई भी मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। या फिर चिकन को हम पलट देंगे अच्छे से। एक साइड से ये हो चुकी है, देखिए अच्छे से हो चुकी है। चले जी, हमारे टिक्के जो है देखिए रेडी हो चुके हैं और ये हमारी ग्रेवी भी अच्छे से बन चुकी है। 1 चम्मच हम पिसे हुए लाल मिर्च दे रहे हैं, 1 टेबलस्पून हम ड्राई सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून कुटा भुना जीरा है, भुना कुटा साबुत धनिया है और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, वो इसी मसाले में हम ऐड कर देंगे। ये जो बाकी का योगर्ट है ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, मसाला भून लेंगे। मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, अब ये जो जितनी भी चिकन है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे और एक क्रीम हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने अच्छे से ऐड कर दिए। अब ये थोड़ा सा कुक होएगा, 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि चिकन अंदर तक गल जाए, पक जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं। चले जी, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छे से ग्रेवी भी बन चुकी है। इतना मसाला बिल्कुल सही है, आप लोग अपने हिसाब से मसाला कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और नमक मिर्च भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे, यहाँ पे फॉइल पेपर हमने रख दिया है
फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हम अपना कोयला रख के जी देखिए कितना जबरदस्त सा रेडी हो चुका है ये। फॉइल पेपर हम अपना हटा देंगे। ये कढ़ाई जबरदस्त ही हमारी रेडी हो चुकी है। कढ़ाई की जगह आप लोग बना सकते हैं टिक्का मसाला, बहुत जबरदस्त सा रेडी हो चुका है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से हम गार्निशिंग ऐसी कर देंगे खाली। थोड़ी धनिया डालेंगे। देखिए कितना अच्छा जबरदस्त रेडी हो चुका है। चलिए जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबरदस्ती चिकन टिक्का कढ़ाई जो है ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमें जरूर देते रहिए। हमें रेसिपी में बताइए आप लोग को क्या बनवाना चाहते हैं, हम बिल्कुल वही ट्राई करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में और हमारी वीडियो को हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।